तेजस आज से मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देगा? अब तक मैं ही सोचा है रे, रक्षाबंधन आएगा तब सोचेगी। तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, रक्षाबंधन तो आ गया। टेंशन लेते टेम्पू वाले, मैं नहीं लेता। अभी तो यहाँ से जा, मैं भी जीऊ। कुछ गिफ्ट देने वाला है कि नहीं देने वाला? आप बेफिक्र रहो, मैं दे दूंगा। क्या देगा? अंदर बिस्किट रहा है, वही दे दूंगा। ऐसे गिफ्ट नहीं दिया करते बहन को। तो कैसे देते हैं? बता दूंगा। तेजू इस बार तेरे को पता है मैंने कैसी कैसी राखियां बनाई है तेरे लिए। ये देख, तू फिर से आ गई है बाबा। यहाँ पर दया खाने को पैसा नहीं है। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रहे। तू जो बादाम खा रहा है उसको बेच के जहर लिया। तुम ये रक्षा करने आई है या मारने आई है? राखी बांधूंगी तभी तो होगी रक्षा। तू जा रही यहाँ से। ऐसे बात करते हैं बहन से? तो मैं बीच था ना खाने में, बीच में आ जाती है। और जिस दिन रक्षाबंधन आए वो कह दे कि मैं बिजी हूँ तो किससे राखी बंधवाएगा? वो उस दिन सोचूंगा। हाँ तू बस बादाम खाने में लगा रहे। तेजस ये देख, मैंने तेरे लिए रक्षाबंधन के लिए ऑनलाइन भी राखी देखी है। ये देख ये वाले। देखो दीदी, आप भले ऑनलाइन राखी मंगवाओ या अमेरिका से मंगवाओ, मैं इस बार राखी फ्री में ही बांध पाऊंगा। मैंने तो तय कर रखा है। देखो भाई, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। ये कितना भी भाग ले, इस बार मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। राखी से पहले पहले राखी का गिफ्ट तय करवा के ही मानूंगी। हर बार मेरी पूरी पॉकेट मनी राखी में चले जाते हैं और ये मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं देता। राखी के गिफ्ट की इज्जत ही नहीं है। हम बहने के बावड़ी है जो तुम्हारे पीछे पीछे राखी लेके भागे। No. मम्मा भाई कहाँ गया? क्यों लड़ाई करनी है? नहीं नहीं, उसे फंसाना है। हाँ? अरे उसे हंसाना है। ऊपर गया छत पे। अच्छा, हर साल मम्मा से पैसे तो गिफ्ट के ले लेता है, लेकिन करता क्या है, टॉफी और चॉकलेट लेके खुद ही ठूस लेता है। इस बार अगर मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ ना तो मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ओहो, तो लाड साहब यहाँ छुप के बैठे हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं भाई साहब? अब बैठना भी क्या, क्यों एक गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, लेकिन आप छुप के बैठ रहे हैं जनाब। कुछ भी हो, मेरे पास गिफ्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, वरना मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊँगा। अब तू राखी के लिए भूख हड़ताल कर देगा? वाह भाई वाह, ये उम्मीद नहीं थी तेरे से। अपनी बहन के लिए इतना कभी नहीं कर सकता, तेरे पे नालत है। अच्छा बहन तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, दुकान देखो ऐसे चल रही है कैंसी की तरह। ओह याद आया, मेरे तो बहुत होमवर्क है, मैं जाता हूँ। आज से पहले तो इसको होमवर्क कभी याद नहीं आया। छोड़ने वाली नहीं हो, मैं भी उसकी बहन हूँ। बढ़ाया, चलो कुछ दिमाग का चक्कर चलाते। अरे यार, मैं तो होमवर्क की एक्टिंग करते करते थक गया, अब तो इसे आई क्यों नहीं पीछे? मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक घंटा होमवर्क की एक्टिंग कोई आसान नहीं है। Oh no! चलो सल के देखते हैं क्या करती है। दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्यों नहीं बैठ सकती? बैठ तो सकती हो लेकिन। क्या लेकिन, पूछना। वो गिफ्ट का मामला शांत क्यों हुआ? अरे उस बात को छोड़ो ना, वो पुरानी हो गई। मैं अपने भाई को परेशान नहीं कर सकती। आप मेरी बहन हो, मैं आपको जानता हूँ, बताओ क्या राज है? अच्छा सुनना चाहता है? हाँ बताओ ना। अगले महीने तेरा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ। गिफ्ट चाहिए ना? अब मेरे लिए गिफ्ट लाओगी? लाती मगर नहीं ला सकती, क्योंकि तू भी मेरे को थोड़ी ना रक्षाबंधन पे गिफ्ट देता है। Oh no!
हाथ निकाल, राखी बांधती हूँ। ये भी नहीं पता राखी कहाँ बांधते। आप इतनी सीढ़ी भी क्यों हो दीदी? तो और क्या करूँ? रुको, गिफ्ट नहीं लोगी क्या? तू लाएगी? क्यों नहीं लाऊंगा, मेरे को गिफ्ट नहीं लेना है क्या? अरे यार तू ये बातें छोड़, तू गिफ्ट दिखा जल्दी से। और यहाँ पर छुपा रखा था इतना बड़ा पैकेजिंग, तो इसके अंदर गिफ्ट भी बड़ा आएगा। चल खोलती हूँ। टॉफी, दो पिछले एक महीने से मकोड़े खा रहे थे। तो तुझे अपने गिफ्ट की कोई चिंता नहीं है? तूने मुझे मकोड़े की खाई हुई टॉफी दी है, तुझे अपने गिफ्ट की परवाह नहीं है? परवाह है। आप बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दोगी तो मैं भी नहीं दूंगा। बर्थडे बर्थडे बराबर। देखा स्मार्ट भाई, बेकार पड़ी चीज भी काम में ले ली, राखी भी गंद वाली। देखा फ्री में मैंने मेरी जिंदगी की रक्षा करवा ली। तो वो चॉकलेट दो, मकोड़े भूखे बैठे हैं।